हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ श्वेता और आप सबका स्वागत है मेरी श्वेता क्रिएशंस पे। और आज संडे है, आप लोगों का संडे का दिन कैसे जाता है, कैसे छुट्टी को कैसे मनाते हैं आप सब। हम तो बिजनेसमैन हैं, हमें संडे फंडे कुछ नहीं होता। आज मैंने सोचा नाश्ते में कुछ नया बनाते हो। मैंने बनाया आज ब्रेड ऑमलेट। संडे के दिन मतलब सबको अच्छा लगता है कि हम घर पे रहे, कुछ खाए, कुछ डिफरेंट तो सब चाहिए। और हम औरतों को लगता है कि कैसे फटफट कुछ झटपट कुछ कर दे और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। मतलब हमें उधर का भी होना है और इधर का भी होना है, इसीलिए ये सब मोमेंट्स में ना वो ब्रेड ऑमलेट बहुत ही आसान तरीका है। मतलब जल्दी जल्दी हो जाने वाला आइटम है, जैसे कि 2 मिनट्स नूडल्स के टाइप बस। तो आप मेरी रेसिपी देखिए और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय, बना के चखिएगा ज़रूर। एक कटोरी में लेंगे 4 प्याज और 8 से 10 ग्रीन चिलीज बारीक कटे हुए छोटे छोटे। हम उसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। हम 7 अंडे लिए हैं 3 लोगों के लिए। हल्दी का पाउडर डालेंगे। अब उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला। हम चाहे तो इसमें रेड चिल्ली का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने सिर्फ ग्रीन चिल्ली ही ली, इसीलिए ज़्यादा ग्रीन चिलीज लिए हैं। अपने पसंद अनुसार हम डाल सकते हैं। अब इसमें हम सारे अंडे फोड़ कर डालेंगे और उसे बहुत अच्छे से बीट कर लेंगे। हम अंडे को जितना बीट करेंगे उतना फ्लफी बनेगा हमारा ऑमलेट। और हम इसमें ब्लैक पेपर भी थोड़ा ऐड करेंगे ना, तो और टेस्ट अच्छा आएगा। जिसे स्पाइसी खाना पसंद हो उनके लिए बहुत टेस्टी रहता है। और ये बहुत इंस्टेंट भी होता है, सिर्फ मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर हमारा वो एग का ये बैटर भी रेडी हो जाता है। और ब्रेड तो मार्केट से हम ला के बस उसे बना देना है। हमें थोड़ा स्पाइसी पसंद है इसीलिए हमने ज़्यादा डाला। आप लोग चाहें तो ग्रीन चिली थोड़ा कम कर सकते हैं। अब हम तवा पर गरम कर लेंगे, ऑयल डाल के इसे बस ऑमलेट की तरह डाल देंगे। उसे ऑमलेट डालने के बाद उस पर फिर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब उसमें एक ब्रेड को डिप करेंगे, डिप करके बस पलट देंगे। हाँ, अगर ब्रेड में ऐसा थोड़ा एग का बैटर लगेगा ना, तो वो अंदर तक ब्रेड के अंदर तक वो जाएगा तो अच्छा लगेगा, वरना वो ब्रेड कच्चा कच्चा लगेगा। उसे धीरे से पलट देंगे। अभी उसे मतलब 30 सेकंड से 1 मिनट तक उसे स्लो में पकने देंगे। थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे। अब हम इसे धीरे से पलटेंगे, चलिए स्लो में पलटेंगे वरना टूट जाएगा। बस बस हो गया। अब देखिए मैं वीडियो में जैसा इसे फोल्ड कर रही हूँ, बस इसे वैसे ही आप लोग धीरे धीरे से फोल्ड करके एक प्लेट में निकाल लीजिएगा। देखिए कितने अच्छे से बना है। बस हो गया, देखिए यमी यमी ब्रेड ऑमलेट तैयार हो गया। अब इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करके खाएंगे।